नमस्ते साथियों, त्रिस्तरीय आम पंचायत निर्वाचन वर्ष 2022 सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचने के पश्चात सबसे पहले क्या करें, इस बिंदु पर हम फोकस करेंगे और साथियों साथ ही यह भी जानेंगे कि सामग्री प्राप्ति के पश्चात हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामग्री वितरण स्थल पर पहुँचते ही जो कार्य हमें करना है, तो सबसे पहला कार्य देखिएगा, अपने आदेश को डिकोड कराकर मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करें। दूसरा बिंदु है, साथियों से मिलकर सभी के आने की सूचना सेक्टर ऑफिसर को दें। तीसरा बिंदु है, साथियों के साथ निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर सामग्री प्राप्त करें। चौथा बिंदु है, प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार सामग्री की संख्या का मिलान करें। यदि लगता है कि कुछ प्रपत्र, प्रारूप या लिफाफे आवश्यकता से कम हैं तो उन्हें उचित संख्या में प्राप्त कर लें, विशेष रूप से मतपत्र लेखा, गणना, परिणाम इत्यादि। अगला बिंदु है, मतदाता सूची की तीनों प्रतियों का मिलान कर लें, भिन्नता होने पर सामग्री वितरण काउंटर पर सूचित करें। तो साथियों, जब हम सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो हमें अपनी मतदान पार्टी यानी मतदान दल से मिलना चाहिए। ठीक है, मिल करके जो अपने मतदान केंद्र को डेकोड करा लें कि किस मतदान केंद्र पर हमें निर्वाचन कराने के लिए जाना है। इसके पश्चात जैसा कि मैंने क्रमशः आपको बताया, सूचना जो है सेक्टर ऑफिसर को दे दें कि हमारा जो मतदान दल है वो आ चुका है। ठीक है, और फिर सामग्री प्राप्त करें, फिर उसका मिलान करें। और साथियों साथ ही मिलान करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर भी फोकस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामग्री मिलान के दौरान क्या क्या करना है, जिन सामग्री में नंबर क्रमांक से क्रमांक तक अंकित होते हैं उनका मिलान एक एक गिनकर सावधानी पूर्वक कर लेना चाहिए, एवं उनमें यह भी देख लें कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और आपके मतदान केंद्र के उपयोग के लिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि मतपत्र की हम बात करें, तो मतपत्र क्रमांक से क्रमांक तक प्राप्त होंगे, तो उनको हमको एक एक करके गिनना है और मिलान करते हुए गिनना है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि किसी अन्य मतदान केंद्र के जो मतपत्र भी आ सकते हैं, या जो क्रमांक एक ही क्रमांक छप सकता है, प्रिंट हो सकता है, या कोई मतपत्र में क्रमांक ही न हो, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। तो एक एक जो पृष्ठ को देखते हुए ही मिलान करना चाहिए। अगला बिंदु है कि यह सामग्री मुख्य रूप से मतपत्र होते हैं, मतपत्र का मिलान एक एक करके क्रम संख्या को देख कर किया जाए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, यही जानकारी यहाँ दी गई है। अगला है, पंचायती निर्वाचन की दशा में मतपेटी को एक से अधिक बार खोलकर बंद कर एवं सीलिंग का अभ्यास करें। अगला बिंदु है, यह आवश्यक रूप से चेक कर लें कि कोई भी मतपत्र कटे फटे न हो एवं मुद्रण की दृष्टि से त्रुटि रहित हो। और लास्ट बिंदु है, अभ्यर्थियों की सूची 8 क 8 ख 8 ग और 8 घ से मतपत्र में नामों का मिलान कर लें। तो साथियों, सामग्री मिलान जब हम करें तो विशेष तौर से मतपत्र से संबंधित जो जानकारी है और खासकर जो मत पेटियां हैं उनको विशेष तौर से देख लेना चाहिए, जिससे कि मतदान केंद्र पर पहुंचने के पश्चात हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो साथियों, आज के इस वीडियो के लिए यह छोटी जानकारी, आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।